इंडिया में तेजी के साथ विकसित होने वाली शहर के लिस्ट में गुड़गांव एक बड़ा नाम है। पिछले कई सालों में यहां पे अभूतपूर्व डेवलपमेंट का काम हुआ है। बाहर के देश के लोग गुड़गांव की डेवलपमेंट एंड सिटी को देखकर शॉक्ड हो गए, जिनमें से कार्ल रॉक्स भी है जो खुद भी एक यूट्यूबर है। और होगी भी क्यों ना, शहर के एक तरफ ग्रीनरी, मॉडर्न हाईरेज स्काईस्क्रैपर, मल्टीप्लेक्स थिएटर, रैपिड मेट्रो, वाइड स्ट्रीट्स, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, स्टूडियोज, इंडस्ट्री एंड कई सारे इंटरनेशनल कंपनीज की ऑफिस इस शहर में बना हुआ है। ये सारे जो ग्लास की बिल्डिंग्स एक साथ एक के बाद एक बना हुआ है, इसे देखकर कोई भी अमेज्ड हो जाएगा। आइए एक्सप्लोर करते हैं गुड़गांव को, जो कुछ सालों के अंदर एक गांव से बिल्कुल एक मॉडर्न शहर बन चुका है। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट हमेशा आपको मिलता रहे। इंडियन स्टेट हरियाणा का सबसे डेवलप्ड शहर है गुड़गांव, जो 282.7 स्क्वायर मीटर पर फैला हुआ है। गुड़गांव दिल्ली एनसीआर का ही एक पार्ट है, जिसे नेशनल कैपिटल रीजन नाम से जाना जाता है। एक्चुअली राजधानी दिल्ली का प्रेशर कम करने के लिए एनसीआर का गठन किया गया था। दिल्ली में ऐसे ही पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है और हर साल और ज्यादा से ज्यादा लोग दिल्ली में आके बसने लगे। इसके अलावा दिल्ली में और कोई जगह नहीं बचा था जहाँ पे इंडस्ट्री एंड कंपनीज खोला जा सके, इसलिए एनसीआर का गठन करके नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद जैसे शहर को बनाया गया। प्रॉपर प्लानिंग के साथ जहाँ पे सब कुछ सुविधा मौजूद होगा और दिल्ली से एकदम स्मूथ ट्रांसपोर्ट की सुविधा होगी, जो सबसे ज्यादा जरूरत है गुड़गांव जैसे इंडस्ट्रियल हब के लिए। गुड़गांव जिसका ऑफिशियल नाम है गुरुग्राम, गुड़गांव इंडिया का फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेंटर है आफ्टर मुंबई एंड चेन्नई। गुड़गांव की इकोनॉमिक ग्रोथ तब से शुरू हुआ था जब से यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग प्लांट को बसाया गया। 1970s में इंडिया की लीडिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बसाया था। तब से गुड़गांव की इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हुआ और आज ये शहर एक इंडिया के सबसे तेज विकसित होने वाले शहर में शामिल हो चुका है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे एक के बाद एक कंपनीज अपना ऑफिस खोला है, जिसमें पेटीएम, डीएलएफ, गूगल, एलआईसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विप्रो, ओवरटाइम एक्सप्रेस, फॉर्च्यून और भी कई सारे बड़े बड़े कंपनीज यहाँ पे अपना ऑफिस खोला है, जिससे गुड़गांव के साथ साथ इंडिया की इकोनॉमी भी आगे बढ़ रहा है। शहर के अंदर हर तरफ ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें लोगों को लग्जरी लाइफस्टाइल बिताने का ऑफर करता है। यहाँ पे कांच से बना हुआ ऑफिस बिल्डिंग्स शहर को एक अलग ही लुक्स देता है, जैसे बाहर के देश में हम देखते हैं। यहाँ पे क्लीन एंड ग्रीन का खास ध्यान दिया जाता है। शहर को क्लीन रखने के लिए 2400 घंटे सफाई के लोग हैं। शहर के हर तरफ बड़े बड़े पेड़ लगाया गया है, जिससे शहर के राजपथ के दोनों तरफ एक अलग ही नजारा दिखता है। गुड़गांव का इतिहास भी बहुत ही पुराने है, महाभारत के युग से ये शहर शामिल है। ये गुरु द्रोणाचार्य का गाँव हुआ करता था, इसलिए इसे गुरुग्राम नाम दिया गया है। इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोफेशनल पर स्क्वायर किलोमीटर पर गुड़गांव है और पूरे हरियाणा स्टेट का 40% रेवेन्यू गुड़गांव से आते हैं, जो एक बहुत ही बड़ी रकम है। गुड़गांव को नॉर्थ इंडिया का आईटी हब माना जाता है। यहाँ पे करीब 500 से भी ज्यादा आईटी फार्म मौजूद है और इन सब जगह से सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। गुड़गांव इंडिया का लीडिंग फाइनेंशियल एंड इंडस्ट्रियल हब है और गुड़गांव इंडिया का सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला शहर है। एक्सपर्ट्स ऑलरेडी इस शहर को एक राइजिंग स्टार नाम से बुलाते हैं। जिस तेजी के साथ इस शहर का विकास हो रहा है, आगे आने वाले समय में इसका डेवलपमेंट टोक्यो, शंघाई जैसे शहर से कंपेयर करने लायक हो जाएगा। गुड़गांव बहुत अच्छी तरीके से मेजर लैंडमार्क से कनेक्टेड है, लाइक एजुकेशनल हब, SCJ वर्ल्ड स्कूल, GD गोयनका, रायन इंटरनेशनल और भी कई सारे स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट शामिल है, हेल्थ सेंटर। शहर में कई सारे इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटल की सुविधा मौजूद है। हॉस्पिटलिटी, शहर में 4-star 5-star इंटरनेशनल होटल्स है, विला है जहाँ पे लग्जरी तरीके से रहा जा सकता है। शहर के अंदर नाइट लाइफ, डिस्को, डीजे पार्टी, पाप का मजा लिया जा सकता है। इसके अलावा बिजनेस हब, रिटेल एंड एंटरटेनमेंट हब, मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडस्ट्रियल हब, फाइनेंशियल हब तो है ही। ट्रांसपोर्टेशन में गुड़गांव बहुत ही वेल कनेक्टेड है। दिल्ली से गुड़गांव तक रैपिड मेट्रो है, बस सर्विस, प्राइवेट कार सर्विस भी है। 4-lane 6-lane की हाईवे बना हुआ है, जो कुछ ही मिनट के अंदर, जिसके मदद से दिल्ली एनसीआर के किसी भी जगह में जाया जा सकता है। गुड़गांव के मॉडर्न लुक एंड डेवलपमेंट को देखकर कुछ लोग इसे मिनी दुबई नाम से बुलाते हैं। गुड़गांव की पॉपुलेशन करीब 10 लाख से 12 लाख के आसपास है और यहाँ पे ज्यादातर लोग इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी लैंग्वेज से बात करते हैं। तो हरियाणा की शान, इंडिया की जान, फाइनेंशियल एंड इंडस्ट्रियल हब गुड़गांव की कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट पे जरूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ गुड़गांव को एक्सप्लोर करके आपको मजा आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लेकर आता हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।